नहीं हूं, एजुकेशन के फील्ड से नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं, एक आर्टिस्ट हूं, एक क्रिएटिव इंसान हूं, और आप लोग बेहतर जानते हैं एजुकेशन के बारे में। इतने साल से आप एजुकेशन चला रहे हैं, पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूंकि मैंने कुछ फिल्में की हैं, एक फिल्म थी तारे जमी पर और अभी हाल ही में मेरी जो फिल्म आई है थ्री इडियट्स, ये दोनों फिल्में एजुकेशन के टॉपिक पर हैं, तो लिहाजा मैं इस वजह से मैंने काफी रिसर्च की एजुकेशन के ऊपर और कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं और वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आज यहां पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे भी हैं, हो सकता है, पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एजुकेशन से जो जिनका संबंध है, और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। मुझ में भी कमजोरी है, काबिलियत है, आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमजोरी और काबिलियत होती है, और हमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उसे मदद करनी है, उसकी उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको वो ढूंढ सके, और उसमें हमें सपोर्ट करना है, और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है। मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, हमारे स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, या हम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी, और वो जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं, जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूं। हमारी फिल्म थ्री इडियट्स जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑडियंस जैसे आप लोग हैं उनको बुलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था बंबई में, एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा, उसने मुझसे यह पूछा, आप लोगों ने फिल्म देखी है थ्री इडियट्स, उसमें उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल था। उसने मुझे यह सवाल पूछा कि सर, पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए, इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए। बहुत ही अहम सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो मुद्दा है उसके हार्ट में जाता है ये, कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूं और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूं या नहीं ये अभी तक हमको श्योर मालूम नहीं है। लेकिन जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का मायने कुछ होता नहीं है। तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे, मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है मैं अच्छा एक्टर हूं, उसने बोला हां, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको, आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि आप, मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर हैं और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं वो, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया, एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें।
और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स, आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सकें, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, आगे चल के वो किसी की मदद कर सकें। दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन, ये मेरी फीलिंग है। मैं जहां भी देखता हूं, ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं छोटा था, जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आए कि सेकंड आए, वो बोलता है सेकंड आए, तो अरे फर्स्ट नहीं आए, डांट पड़ती है उसको। जो बोलता है मैं टेंथ आया, तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। उसको रेस में हम पूछते हैं तुम रेस में फर्स्ट आए कि सेकंड आए, में हम उसको बचपन से, जब से वो केजी लोअर केजी में होता है, जब लोअर केजी में रेस होती है, चमचा मुंह में लगा के उसमें नींबू डाल के भागते हैं, उसमें भी हम बच्चे को पूछते हैं अरे मेरा बेटा फर्स्ट आए के ला, वो बेटा मेरा फर्स्ट आना, मतलब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा भागो, मतलब नींबू लेके भागो। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है कि यार ये बड़ा जरूरी है। मेरे पेरेंट्स को हमेशा, मेरे पेरेंट्स मुझे एक ही सवाल पूछते हैं, मैं फर्स्ट आया कि नहीं, उसके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को कंपीट करना है, मेरे को बाकी लोग से आगे निकलना है। टीचर्स भी यही सवाल उसको पूछते हैं आमतौर पे, मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया, वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब बाय हुक और बाय क्रुक आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए, हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाई, अगर हम उसको ये पूछें तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा, स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में सोच रहे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं देखना चाहूंगा, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में नहीं देखी, कि हमको ये अहमियत इस पे दी जा रही है कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना हेल्प कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली अगर आ जाए तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुधर सकता है, बहुत बदल सकता है, हम बहुत